गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग है जितने बच्चे लाइव हैं। बेटा सबसे पहले कमेंट करके मेरे को बता देंगे क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को। ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, जल्दी से बच्चे बता देंगे क्या मेरी आवाज सही से आ रही है। YouTube वाले भी और एप्लीकेशन वाले बच्चे भी, है ना? एप्लीकेशन वाले बच्चे भी एक बार कमेंट करके बताएंगे आवाज क्या मेरी सही है, ताकि अपन क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सके। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया, चले बहुत बढ़िया। तो आज अपन क्या करने वाले हैं बेटा? तो जैसा कि कल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ली थी आप लोगों की, जो कि बहुत अच्छा रहा, आप लोग का रिस्पांस अच्छा लगा देख करके मुझे। एक्चुअली मालूम क्या, तुम लोग जो लाइक और कमेंट करते हो ना, वो तुम लोग के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट रहता है, पर हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। मालूम, जितना ज्यादा आप लोग का कमेंट रहता है, जितनी ज्यादा आपकी लाइक्स रहती है ना, उसको देखकर हमारे अंदर एक एनर्जी आता है। मतलब लगता है कि क्या कुछ और स्पेशल करें बच्चों के लिए, और कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब एक जुनून है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है। तो आप लोग का रिस्पांस कल का बहुत अच्छा रहा बच्चे, जो देख करके अच्छा लगा। तो आज अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं, तो आज इस क्लास में मैं आप लोग का मैराथन कराने वाली हूं। मैराथन इन सेंस, यहां पर आपका स्टैटिक जो जीके हो गया, आपका जीएस हो गया, इवन मैं बोलूं लुसेंट के बुक से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, वो मैं आज आपको लेकर के आई हुई हूं। हां जी, ठीक क्या? तो बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में भी। तो सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे, मस्त एकदम सेशन को लाइक करते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि मैडम लाइव आ चुके हैं। हाँ बेटा, थोड़ा सा देर हो गया, थोड़ा सा नहीं इवन बहुत देर हो गया। एक्चुअली व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, ऑपरेटर्स आज छुट्टी पे है, कॉन्टेंट मुझे खुद बनाना पड़ा यार, और इस चक्कर में हो गया लेट। ठीक क्या, चले स्टार्ट कर ले फिर हमारा आज का क्लास एकदम। लेके श्याम जी का नाम, हेलो 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 एवरीवन। मैं मंडी का भी क्लास लीजिए ना, ओहो देखते हैं, है ना, जैसे ही समय मिल पाता है सोचते हैं उसके बारे में भी। चल स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देती हूँ, है ना, सुन लेना प्रश्न को क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो, एक सेकंड का समय लूंगी, चले, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? आपसे प्रश्न में पूछा गया बेटा कि जो अमीर खुसरो है वो कौन से शासक के दरबारी कवि थे? वो अकबर के टाइम पर थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थे, जहांगीर के टाइम पर थे, या मोहम्मद गजनवी के टाइम पर थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, चलिए। हाँ जी बताइए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का प्रॉपर आंसर आ रहा है और एकदम सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चल एक बात समझना, ये जो अमीर खुसरो है ना, ये आपके बलबन के टाइम पर भी था बेटा, ठीक, आपके जलालुद्दीन के टाइम पर भी था ये, जलालुद्दीन के टाइम पर भी था ये, और आपके अलाउद्दीन टाइम पर भी था, ठीक। तो यह भी आपको याद रखना, इसमें से कुछ भी प्रश्न में पूछे तो आपको आंसर लेना है, और इसके अकॉर्डिंग जितने बच्चों ने बी आंसर लिया है एकदम सही हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई हमारी? तो ये तीनों के टाइम पर जो हमारे अमीर खुसरो महोदय है, ये उपस्थित थे, ठीक, ओके। अब अमीर खुसरो के नाम पर एक और पॉइंट बनता है जो आपको याद रखना है, कि अमीर खुसरो ने ही क्या किया था बेटा, तबला का आविष्कार किया था। तबला का आविष्कार किसने किया था? तो तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। तो यह भी स्टार मार्क के साथ आपको पेन डाउन करना है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट हमारी क्लियर? तो इस प्रकार से जो दो से चार पॉइंट मैंने बताया, ये सारा आप लोग पहली बात तो नोट कॉपी लेकर के बैठेंगे सारे के सारे, ठीक है क्या? सभी के सभी नोट कॉपी लेकर के बैठो, जो पॉइंट आपको लगे नोट करने लायक है बिल्कुल उसका नोट्स बनाते हुए चलिए और चीजों को याद करते हुए चलिए, ठीक है क्या? चलिए आगे बात कर ले। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है बच्चे? प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो ने पहला व्यापार केंद्र, अमीर खुसरो ने अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने पहला व्यापार का केंद्र कहां पर स्थापित किया था? कलकत्ता में किया था, कालीकट में किया था, सूरत में किया था, या मद्रास में किया था? किसके साथ जाना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से बताएंगे। हाँ
वेरी गुड, सबको पता है ये। अच्छा चलो आंसर में जाने से पहले मुझे ये बता दो, अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले आया कौन था और कब आया था? कितने लोगों को पता है अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले कौन आया था और कब आया था? किसी को पता है क्या? तो याद रखेंगे सबसे पहले आए थे आपके हॉकिंस। कौन आए थे बेटा? हॉकिंस आए थे। और कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1608 में। ठीक है क्या? 1608 में जब ये आए हमारे यहाँ, तब इस टाइम पर किसका दरबार चल रहा था? तो आप याद रखेंगे इस टाइम पर हमारे जहांगीर बैठे हुए थे गद्दी पर। कौन बैठे हुए थे बेटा? जहांगीर बैठे हुए थे गद्दी पर। दूसरी बात आप याद रखोगे कि ये जहांगीर हैं जिन्होंने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक क्या? तो यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसकी उपाधि दी थी बच्चे? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर 1608 में जब ये आई चुके हैं तब इन्होंने अपना सबसे पहला कोठी भी बना लिया। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया? तो आप बताएंगे अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला जो व्यापार का केंद्र है बच्चे, सूरत में स्थापित किया था। कहां किया था? सूरत में स्थापित किया था। हां जी, जितने बच्चे सी आंसर के हैं एकदम सही है आपका। ठीक, आगे बढ़ जाएं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखिए, अगला प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर ही रहूंगा, ये लाइन किसकी है? लाला लाजपत राय की, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, महात्मा गांधी की या रविंद्रनाथ ठाकुर की? जल्दी से बताएंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर थर्ड। देख लो भाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है या लाला लाजपत राय है? दोनों LL से स्टार्ट हो रहा है, क्या लग रहा है? हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करो भाई। अच्छा चलिए, इसका आंसर आप लोग दिए तब से पहले, तब तक मैं कुछ और पॉइंट आपको बताती हूं। जैसे कि बात यहां पर स्वराज का हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे स्वराज यह जो शब्द है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात बी ही होगा मैडम जी, ऐसा जी। तो पहले आंसर ही बता दो मैडम, ये बोलना चाह रहे हो क्या तुम लोग? चलिए ठीक है। देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में जो आपका अधिवेशन हुआ था कब? 1906 में, है ना। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और ये कलकत्ता का अधिवेशन कब हुआ था? तो जो कलकत्ता का अधिवेशन है वो 1906 में हुआ था। दूसरी बात, यहीं पर से एक और प्रश्न बन जाता है। अभी तो मैं सिर्फ स्वराज के बारे में बता रही हूं, स्वराज से मिलता जुलता एक और शब्द है जिसको आप पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं, पूर्ण स्वराज। अब आपसे प्रश्न में यहीं पर एक दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? कितने बच्चे को पता है जल्दी बताओ। हाँ जी, पूर्ण स्वराज के बारे में बताइए जल्दी से, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो आप बताएंगे पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो आपके लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था पता है क्या आपने को? तो जो लाहौर अधिवेशन है वो 1929 में हुआ था। अब यहीं से एक और बात बता दो कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये किया किसने था? तो यहां पर ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, आपके माननीय अच्छा जी, ठीक है, हमारे नेहरू जी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी बच्चे? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आपके 1929 में हुआ था। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न में पूछ दे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तब आपको बताना है स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कलकत्ता को जो अधिवेशन था 1906 में जो हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे इस टाइम पर, याद आ रहे कि अपने को? हाँ जी, ये याद रखना है। ठीक, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो आपका प्रश्न था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ये कहा है। तो इससे रिलेटेड तीन पॉइंट मैंने बताया, तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे सीधे पूछ लेगा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था, एक आपसे पूछ लेगा पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। क्या पॉइंट हमारी क्लियर? पूर्ण स्वराज की मांग आपके कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। किसने? तो नेहरू जी के द्वारा किया गया था। यहां तक कोई इशू नहीं अपने को? क्लियर है चीजें? चले बढ़िया, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए,
ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। बढ़िया प्रश्न है, बताइए जल्दी से, क्योंकि अपन साथ में स्टैटिक जीके भी करते हुए चल रहे हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है वो आपके चंपारण में हुआ था, चिकमंगलूर में हुआ था, पोखरण में हुआ था या श्रीहरिकोटा में हुआ था। कितने बच्चों को पता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। पहला परमाणु परीक्षण की मैं बात कर रही हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो सबसे पहला अगर परमाणु परीक्षण की बात करते हैं बच्चे, है ना, तो आप याद रखेंगे ये सन 1974 की घटना है। 1974 में भी डेट भी आप याद रख सकते हो इफ यू वांट, 18 मई 1874 को सबसे पहली बार परमाणु का परीक्षण किया गया था। अब ये ईयर देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है कि इस टाइम पर हमारी प्रधानमंत्री कौन रही होंगी? तो इस टाइम पर हमारे माननीय इंदिरा गांधी महोदय थी, है ना, और इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, इन्हीं के संरक्षण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1974 में। और कहां पर किया गया था? तो याद रखेंगे पोखरण में किया गया था। क्या पॉइंट हमारी क्लियर? 18 मई, वेरी गुड, 18 मई 1974 आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के संरक्षण में पहली बार परीक्षण हुआ था। हाँ जी, पोखरण में ही हुआ था, ठीक है। दूसरे परीक्षण भी याद रख लो, पूछ लेगा तो क्या ही कर लोगे। तो दूसरा भी आपका 11 मई को ही हुआ था और समय आपका 98 था, मे बी दोनों ही मई में कैसे होगा मैडम जी? क्यों नहीं हो सकता जी? ऐसा कोई नियम है कि दोनों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो दूसरा भी आप याद रखेंगे 11 मई 98 ही है आपका, ठीक है। 1998 में हुआ था और इस टाइम पर कौन थे? तो इस टाइम पर हमारे कौन थे, जल्दी कमेंट करके बताओ, किसको किसको पता है? हाँ जी, 11 मई 1998 में कौन थे हमारे यहां, बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, याद रखेंगे अटल जी थे इस टाइम पर प्रधानमंत्री के पद पर, और अटल जी के टाइमिंग पर आपका दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और सबसे मजे की बात यह है कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण है ना, ये भी आपके पोखरण में ही हुआ था। क्या पॉइंट हमारे यहां पर क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार वाला एकदम, वेरी गुड। तो पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था बच्चे? पोखरण में। दूसरा परमाणु परीक्षण भी कहां हुआ था? पोखरण में। अंतर बस ये है कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, तब हमारे यहां इंदिरा गांधी महोदया जी थी, है ना, और जब दूसरा हुआ तब उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी आ चुके थे, और सेकंड वाला भी आपके मई में ही हुआ है, 1998 में ये हुआ था। क्लियर क्या? तो ये तीनों प्रश्न जो मैंने अभी आपको करवाया, ये आपको याद रखना है, ठीक क्या? चले आगे बात कर ले, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? अब यहां पर से दो प्रश्न पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा आम चुनाव कब करवाए गए थे, या तो आपसे पूछ लेगा लोकसभा चुनाव कब करवाए गए थे। तो ऑप्शन है आपके, आम चुनाव जो है भारत में सबसे पहला जो आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1947 में हुआ था, या 1951 में हुआ था। बात हो रही है बेटा भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव का, क्या होगा इसका आंसर? मैक्सिमम बच्चे सी बता रहे हैं। हाँ जी, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? तो आपको बता दें यहां पर प्रश्न में आम चुनाव पूछा है बेटा, तो आम चुनाव आपके 1951 में हुआ था, ठीक है, क्या याद रहेगा? 1951 में ही आपका आम चुनाव हुआ था। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव बोले तब आपको याद रखना है, लोकसभा का जो चुनाव है वो सबसे पहले 1952 में हुआ था, ठीक। तो जितने बच्चे सी कर रहे थे आंसर अपना करेक्शन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? तो आम चुनाव कब हुआ था बेटा? 1951 में हुआ था, ठीक, जबकि लोकसभा का जो चुनाव है वो आपके 1952 में हुआ था, ठीक है क्या? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ जाएं ना, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है, बस यही आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कहें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? चलो बता दो मेरे को, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, किसको अशोक द्वितीय कहा जाता है? समुद्रगुप्त का जानते ही अपन, भारत का नेपोलियन कहा जाता था इसको, क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन, इसी को कहते थे हम नेपोलियन, है ना। और दूसरे नंबर पर है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जानते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक के नाम से अपन इसको जानते हैं। कनिष्क, ये कौन से वंश से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे जो कनिष्क है वो कुषाण वंश से संबंधित थे। अच्छा एक बात बताओ, जो कनिष्क है वो कुषाण वंश से तो संबंधित था, ठीक है, समझ गए मैडम जी, पर क्या ये कुषाण वंश का संस्थापक था, ये बताओ तो जरा मुझे। जो कनिष्क है वो आपके कुषाण वंश से संबंधित है, पर क्या ये
कुषाण वंश के संस्थापक थे, अगर थे तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं थे तो आप लोग को मेरे को बताना है कि कुषाण वंश के संस्थापक थे कौन। ठीक है, क्या आप लोग के लिए प्रश्न है, आपको बताना है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। चौथे नंबर पर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में अपन जानते ही हैं, ये वर्धन वंश के एक शासक थे भाई, है ना, और ये वही शासक है जिसके टाइम पर ही जो हमारे चीनी यात्री वेन सांग है वो सबसे पहली बार भारत आए हुए थे। ठीक है क्या, तो ये चीजें अपनी क्लियर। अब आपके प्रश्न में आते हैं, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता था, तो अशोक द्वितीय की जो उपाधि है वो कनिष्क को दिया गया था बेटा। किसको दिया गया था, कनिष्क को दिया गया था, तो आपको याद रखना है पुष्य गुप्त था मैडम जी। क्या था गुप्त, कुषाण वंश के संस्थापक थे, मूर्ख, उधर गुप्त है यहां पर कनिष्क है जो कि कुषाण वंश, क्लियर लिखा हुआ है, किधर से पुष्य गुप्त आ जाएगा है। बिलेटेड वाला हैप्पी बर्थडे है मैडम जी, थैंक यू जी, बिलेटेड वाला। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए इधर बताइए क्या हो जाएगा, तो जो प्रश्न है हमारा अशोक द्वितीय किसे कहा जाता था, तो ये क्या हमारी क्लियर हो गई, कनिष्क को ही आपका क्या कहा जाता था बेटा, कुषाण वंश के शासक है, संस्थापक कौन है अभी तक तुम लोगों ने नहीं बताया मुझे। ठीक है, तो कमेंट करके आपको बताना है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कनिष्क हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए ये रहा जलियांवाला, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट जिसको आप बोल सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी तारीख को हुआ था, चलो बता दो मेरे को कब हुआ था भाई, 1920 में होता या 1919 में होता, पहले तो ये क्लियर रख लो, उसके बाद अप्रैल मार्च महीना ये याद रखना कब होगा, क्या होगा इसका आंसर, तो 19 मार्च 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 मार्च 1919 को हुआ था या 13 अप्रैल 1920 को हुआ था, क्या लग रहा है, 1919 नहीं चलेगा ना बंधु, महीना भी बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा होता है, महीना भी बताना पड़ेगा कि कौन से मंथ में हुआ था। ए बी सी डी किसके साथ जाना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इधर वाले, 13 अप्रैल 1919 को मैडम जी, ये बात ऐसे कमेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्यों हुआ था मालूम है क्या आप लोगों को, वही आया हुआ था जो आपका रोलेट एक्ट, इसी के अगेंस्ट में एक आम सभा का आयोजन यहां पर किया गया था। ठीक, वही आपका क्या था, जलियांवाला बाग था। क्लियर है क्या यहां तक हमारे प्रश्न, तो याद रखेंगे जितने बच्चे कंफ्यूज थे, 1919 बस याद रखोगे तो नहीं काम चलेगा ना, आपको 13 अप्रैल भी साथ में याद रखना है, तो 13 अप्रैल 1919 ही आपको याद रखना है। ठीक, 13 अप्रैल 1919। ठीक, मजा आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, क्या प्रश्न है भाई, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतना मजा आता है ना पढ़ने में, मतलब एकदम दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है ना कि हम भारत में बैठे बैठे सब जगह घूम लिए हैं। ठीक है, चलिए खैर प्रश्न आपके सामने है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, जल्दी से बता दो, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, जल्दी से बताइए। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, है ना, ध्यान देंगे, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ध्यान देना, यहां पर आपका पड़ता है पनामा देश, या बोल दो पनामा शहर, या आप जो बोलना चाहो, ठीक है, और यहां पर आपका पड़ता है कोलंबिया, कोलंबिया, ये डायग्राम क्यों बन रहा है ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर इन दोनों को जो जोड़ने का काम है ये रहा आपका क्या, पनामा नहर। ठीक, अब चलिए आपसे प्रश्न में क्या पूछ सकता है, तो फिलहाल तो आपसे पूछा गया पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, जिसका उत्तर आप लोगों ने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बताया है बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपका ए बताया गया है। बढ़िया है, जितने लोगों ने बताया एकदम सही है। ठीक है, आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है आपका कौन बेटा? आपका ना ना हिंद नहीं आएगा बेटा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक, इन दो महासागर को आपका पनामा नहर जोड़ता है। किसको किसको? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ने का काम है वो आपका पनामा नहर करता है। तो ये तो रहा, अगर आपके किससे प्रश्न बन जाएगा, महासागर से बन जाएगा। अगर दो द्वीप से पूछ लिया तो बना लेंगे अपन आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो आपका पनामा नहर करता है। अगर देश से प्रश्न बन गया तो देश से भी आप यहां पर से बना सकते हैं आपका पनामा देश और आपका कोलंबिया देश। ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम है वो आपका पनामा नहर करता है। द्वीप से पूछेगा तो हम बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक हमारी चीजें? चलिए बहुत बढ़िया, तो आप अपने को कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार से नहीं रहा है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका पनामा नहर। कैसे करता है? दिख गया, यहां पर आपका पनामा देश है, यहां पर आपका कोलंबिया है। क्लियर है क्या चीजें? हाँ जी, महाद्वीप की बात हो रही है, एशिया महाद्वीप होता है, वैसे उत्तरी अमेरिका, वैसे आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक, चलिए आगे करें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। कल इस प्रश्न को मैं करवाई हूं आप लोग को। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के निर्वाचन के बीच में किसी भी प्रकार का बहस हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो फिर वो किसके पास जाता है, उसकी सुनवाई किसके पास होती है? तो हमने कल ही देखा था इस प्रश्न को, अगर मुद्दा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के है तो फिर वो सीधा किसके पास जाता है बेटा? सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाता है। और अगर आपका जो मुद्दा है वो आपके संसद और विधानमंडल का है ना, संसद और विधानमंडल का है, तब इसकी जो सुनवाई है वो आपके हाई कोर्ट में होती है। क्या बात क्लियर हमारी? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है। क्लियर है ना यहां तक चीजें? आपको याद रखना है चीजों को, कल भी मैंने ये सेम प्रश्न आप लोगों को करवाया हुआ था। ठीक, चलो अगला प्रश्न करते हैं। क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है आपका, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बता दीजिए, साओ पालो ये कौन से फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कपास के लिए है, ठीक है, आपके कपास के लिए है, आपके मक्का के लिए है, आपके कहुआ के लिए है, आपके चाय के लिए। अच्छा, आपने अपने को मालूम है क्या ये जो कहुआ ये काफी को ही कहा जाता है? मालूम है क्या? नहीं मालूम था तो अब मालूम कर लो। अब बताओ मेरे को, साओ पालो ये कौन से फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, साओ पालो। सी पक्का? चलिए बढ़िया, तो जितने बच्चे सी कह रहे हैं एकदम ज्यादा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या तो क्या हो जाएगा बच्चे? साओ पालो ये कौन सी फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जो साओ पालो है ये आपके कहुआ या कॉफी के फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब एक बात समझना, दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका में एक बहुत बड़ा शहर है, या बोले कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, कौन सा है बेटा? ब्राजील। ब्राजील में एक फेमस बंदरगाह है आपका, ब्राजील का एक फेमस बंदरगाह है, उस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो उस बंदरगाह को ही कॉफी बंदरगाह कह देते हैं। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे ये जो बंदरगाह है इसको सेंटोस बंदरगाह कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? इसी को आप सेंटोस बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंटोस बंदरगाह है इसे ही काफी बंदरगाह कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अपने को याद रहेगा क्या? चलिए बताइए, तो साओ पालो ये कौन से फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपके सीधा सीधा कहुआ या कॉफी से संबंधित है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी है बच्चे, यहां पर एक बंदरगाह पड़ता है, बंदरगाह को आपको सेंटोस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअली ये जो बंदरगाह है ना इसे ही आप कॉफी बंदरगाह के नाम से ही जानते हैं। एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, फजेंडा। अब ये फजेंडा क्या है? तो ब्राजील में ये जो कॉफी का बगान होता है ना जहां पे, उस बगान को ही कॉफी का जो बगान
बगान होता है, उस बगान के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहते हैं फजेंडा। क्या कहा जाता है बेटा इसको? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो इतने पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पॉइंट हमारी क्लियर? ब्राजील में कॉफी के बगान को हम क्या कहते हैं? तो उसे ही फजेंडा के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है? लेकिन फिलहाल आपको प्रश्न याद रखना, क्योंकि प्रश्न आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं है ना। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ दिया साओ पालो कौन सी फसल के उत्पादन से संबंधित है, सीधा आपको बताना पड़ेगा कहुआ और कॉफी से संबंधित है। अब जब साओ पालो आ गया तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रोस से बना है आपका साओ पालो, ठीक है? अब ये सेंट्रोस कहाँ है? तो ये आपके ब्राजील का एक बंदरगाह है। अब ब्राजील कहाँ है? तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका की एक जगह है। अब वहां पर क्या कहा जाता है? तो आप ये भी बताएंगे कि उसे ही आपका फजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या बात हमारी क्लियर? मजा आ गया, चलिए बढ़िया। अगला प्रश्न कर ले। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत कौन सा? इसका आंसर दो मेरे को, और इसका आंसर मेरे को हर किसी से चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से, भारत में राज्यों की शक्ति का जो स्रोत है, राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है बताइए? तो भारत में जो आपके राज्यों की शक्ति है बच्चे, ये आपके जनता में निहित होता है, संविधान में निहित होता है, विधानसभा में या संसद में? बात हो रही है राज्य की, जल्दी बताइए। राज्य राज्यों की शक्ति की बात हो रही है तो राज्यों की शक्ति का स्रोत भारत में कहां है? किसके साथ जाना चाहेंगे? ए बी सी डी आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए। ए बी सी ए ए ए ए बी 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 ए ए बी सी डी को भी तो कोई पूछ लो, नहीं पूछोगे? चले तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका संविधान। संविधान से बड़ा तो कुछ है नहीं है बंधु, ठीक है? तो इधर उधर तो घुमाने की जरूरत ही नहीं है दिमाग को। अगर संविधान ऑप्शन में है मतलब संविधान से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, जनता भी नहीं हो सकती। आ रहा है क्या समझ में? तो इसीलिए इसका सीधा सीधा आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक? तो राज्य में, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए ये शब्द यूज हुआ है कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है, सिर्फ आपको घुमाने के लिए। आया क्या बात समझ में? आपको याद रखना पड़ेगा, संविधान अगर ऑप्शन में फिर उसके ऊपर तो कोई जाइच नहीं सकता है। बात आ गया क्या समझ में? एक लाइन याद आ रहा है यहाँ पर, एक हरियाणा वाला भाषा में शायद एक कहावत आया था जो पता नहीं कौन से जमाने में मैं सुनी हुई थी कि बाप का बेटा, बाप का जूता पैर पर आ जाने से बेटा बाप ना बन जावे है, ये वही वाला बात है, ठीक है? तो संविधान जब तक ऑप्शन में है बाप बाप ही रहेगा, ये वो वाला चीज है, ठीक? तो आपको याद रखना पड़ेगा। चले आगे बात कर ले। बाप का जूता पैर पे आ जावे से बेटा बाप ना बन जावे, बाप बाप ही रहेगा, ठीक? मतलब अच्छी लाइन थी इसीलिए मेरे को याद रह गई, ऐसा है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब इसका आयतन क्या होगा? प्रश्न आपको समझ में आया क्या? प्रश्न बोल रहे बेटा जल है, अब जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करोगे तब क्या होगा? तब उसका जो आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाएगा, आयतन आपका घट जाएगा, आप परिवर्तित रहेगा मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? चलो प्रश्न आपके सामने है, अगर आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तब क्या होगा? उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? इसको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगी। बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 किसके साथ जाना चाहेंगे? बढ़ेगा मैडम जी, घटेगा मैडम जी, बढ़ेगा मैडम जी, बढ़ेगा मैडम जी, घटेगा मैडम जी, ओके जी, सी, ओम जा रहे हैं सी के साथ, अपरिवर्तित रहेगा। अरे यार गर्म करोगे तो कैसे अपरिवर्तित रहेगा बेटा, हो ही नहीं सकता ना, ये तो ऑप्शन ही में नहीं होना चाहिए था। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा मैडम जी, अच्छा जी, और कोई? अब देखो जैसे कि मान लो मैंने बनाया ये, हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर 9, 10 जितना भी आप बढ़ाना चाहें, सेंटर हमारा ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक ठो को सेंटर मानकर आप क्या करो ना, इसको V बना दो, V बना दो, V फॉर वॉल्यूम,
ओके वी बना दिया हमने। अब देखिए यहां पर जीरो से अगर हम बात करें तो पहले ये जाएगा यहां पर, फिर वन की बात करें, मैं एक ग्राफ बना रही हूं आप लोग के लिए, वन जाएगा यहां तक, दो जाएगा आपका यहां तक, तीन जाएगा आपका यहां तक, फिर पांच यहां आ जाएगा, छह यहां चला जाएगा, सात आपका यहां चला जाएगा, आठ आपका यहां चला जाएगा। तो यहां पर से आपको क्या समझ आ रहा है, इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रहा है? तो इस ग्राफ से हमको ये समझ आ रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है, पहले ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, देखो घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया, उसके बाद फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। मतलब पहले क्या हुआ, तो पहले ही आपका घटा फिर बढ़ा, पहले ऊपर था, फिर यहां से कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, मतलब पहले घटा उसके बाद बढ़ा 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 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, पहले घटा और फिर बढ़ा। बात आया क्या समझ में, क्या चीजें क्लियर हुई हमको, समझ में आ गया? मैडम जी आपको हरियाणा वाला लैंग्वेज आता है क्या? नहीं जी, ये तो कभी कभी डायलॉग सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो बस जान जाते हैं, ऐसा है। अब ये अगर आपको ग्राफ याद रहेगा बच्चे, तो इस प्रश्न को आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है क्या? तो जब देखो सबसे पहले ये, पहले ये इसकी वैल्यू ऐसे थी, फिर ये घटा ना, अपने को दिख रहे हैं ना, पहले ये घटा उसके बाद बढ़ा, तो वही आपको आंसर में लेना है, पहले घटेगा उसके बाद फिर वो बढ़ेगा, ठीक क्या? तो डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लें, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न आपका बोल रहा है मनुष्य में ऑस्टियो मलेशिया, ये मैं पढ़वा चुकी हूँ महिला सुपरवाइजर का क्लास जब ले रही थी तो आप लोग को, ठीक है, और इसके अलावा अभी प्रयोगशाला परिचारक में बायोलॉजी में भी मैंने आपको ये समझाया हुआ है। चलिए प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं, देखिए मनुष्य में ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग का कारण क्या है, जल्दी से बता दो, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग का क्या कारण है? तो प्रोटीन कुपोषण इसकी वजह से होता है, या कार्बोहाइड्रेट कुपोषण की वजह से होता है, या विटामिन बी की कमी से होता है, या विटामिन डी की कमी से होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, ऑस्टियो मलेशिया की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। मैडम जी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी किधर है, ये रहा, विटामिन बी तो बहुत टाइप के होते हैं, B1 से लेकर B9 तक जाओगे तुम, लेकिन फिलहाल यहां पर सिर्फ बी पूछा है, तो बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, ठीक, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब विटामिन बी का जब पता चल गया तो विटामिन डी का भी तुमको पता होना चाहिए, तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा जल्दी से बताइए, किसको किसको पता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, किसको किसको पता है बताओ तो थोड़ा, मेरे को नहीं पता, तुम लोग बताओ विटामिन डी का रासायनिक नाम, जल्दी कमेंट कीजिए। विटामिन बी का मैंने बता दिया थायमिन, अब विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ जल्दी से, जिसको जिसको पता है जल्दी से बताइए, मुझे लग रहा किसी को नहीं पता है, चलो मैं ही बता देती हूँ, कैल्सीफेलोल के नाम से हम इसको जानते हैं बेटा, कैल्सीफेलोल, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका रासायनिक नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, मनुष्य में ऑस्टियो मलेशिया नामक जो रोग है वो किसके कारण से होता है, ऑस्टियो मलेशिया की बात हो रही है, उससे पहले मुझे ये बताओ ऑस्टियोलॉजी शब्द सुने हो, ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ऑस्टियोलॉजी में बोन के बारे में अध्ययन करते हैं हम, किसके बारे में, बोन का अध्ययन करते हैं, बोन मतलब किसका, क्या क्या कमेंट करते हो तुम लोग, अस्थि पंजर ये क्या है, मतलब एकदम प्रकृति से बाहर की बातें करते हो तुम लोग, ठीक है, मतलब इस दुनिया को छोड़कर कौन से दुनिया में पहुंच जाते हो मेरे को समझ नहीं आता है, मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है क्या, मैंने सुना था कि जो दिमाग की और दिल की हमारी गति वो सबसे तेज होती है, पर इतनी तेज होती है क्या कि धरती से बाहर पताल की बात करोगे तुम लोग है? हाँ वही, कुछ टाइम बाद ये लोग कंकाल की भी बात करेंगे, ठीक बोल रहे हो, अस्थि पंजर की बात कर रहे हैं, एलियन का बात करोगे कुछ टाइम पर तुम लोग,
कहां ध्यान रहता है? चलिए ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डी का अध्ययन करते हैं बेटा, अस्थि बंजर का नहीं करते, बोन मतलब होता है हड्डी, ठीक है, और हड्डी का अध्ययन किया जाता है। तो हड्डी का अध्ययन जिसमें आप लोग करते हैं इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही आपका ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ऑस्टियोलॉजी से एक और शब्द बना है ऑस्टियोप्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोप्लास्ट, ऑस्टियोप्लास्ट। ऑस्टियोप्लास्ट में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो आप बताएंगे ऑस्टियोप्लास्ट में आपके हड्डी का निर्माण कैसे होता है ना, हड्डी का निर्माण कैसे होता है इसका अध्ययन किया जाता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूं आप लोगों को, ये बताने का रीजन ये है बेटा कि यहां पर से सिर्फ ऑस्टी शब्द पकड़ना है तुमको। अब जब तुम ऑस्टी शब्द पकड़ोगे, ऑस्टी शब्द तो समझ आ जाएगा कि पूरा लेखा जोखा हड्डी से ही रिलेटेड है। और आपको पता होना चाहिए विटामिन डी की कमी से हड्डी को ही सबसे ज्यादा नुकसान आपका पहुंचता है, ये पूरा चीज बताने का रीजन ही ये था, ठीक है क्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, और जो कि एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपका ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग है वो आपके विटामिन डी की कमी से हड्डी में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ लिएगा कि हड्डी का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, या जो हम हड्डी का अध्ययन करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा उसको ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक क्या। बोन में हड्डी, बोन में हड्डी क्या होता है, बोन ही हड्डी है, हड्डी को ही बोन कहा जाता है, बोन में हड्डी नहीं होता है, ठीक है। या तो हड्डी ही बोल लो या तुम बोन ही बोल लो, कुछ भी। ये वो वाली बात हो गई ना, जैसे बोलो डू और डाई, मतलब करके ही आना, या तो कर ही लेना या मर ही जाना, डू और डाई। लेकिन कोई बोल रहा है डू एंड डाई, ठीक है, कर भी लेगा और करके मर भी जाना, ये तो वही वाला सीन हो गया ना आपका। तो डू और डाई होता है, या तो कर ही लो या मर ही जाओ, डू एंड डाई नहीं होता है, करके मर जाओ, ठीक। चलिए तो ये प्रश्न हमारा क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ये कल के क्लास में आपको क्लियर हो चुका होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, नहीं बोल रहा है मूर्खों, राष्ट्रपति वालों, नहीं हटाया जाता है बोला जा रहा है, ठीक है, नहीं हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता है, इतना मारती तुम लोगों में। प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जाता है, राष्ट्रपति को नहीं हटाते हैं महाभियोग द्वारा बेटा, कैसे हटाते हैं फिर बताओ थोड़ा सा मेरे को। महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगता तो किस पर लगता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगता है, मुख्य चुनाव जो आयुक्त रहते हैं इन पर भी महाभियोग लगता है, भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मारे चमार है तुम लोग को आज, एकदम मस्ती ज्यादा चल रही है तुम लोगों की, ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्लियर, इसीलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। हाँ बस वही बात है, प्रश्न को पढ़ो पहले। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, चलिए बताइए। ये विष्णु शर्मा कभी पीछे नहीं छोड़ते ना, चाहे आप व्यापम के एग्जाम दीजिए, चाहे आप पीएससी का एग्जाम दीजिए, कुछ का भी दीजिए, विष्णु शर्मा आ ही जाते हैं बीच में। चलिए बताइए क्या लग रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है क्या? जी नहीं, अर्थशास्त्र विष्णु शर्मा ने नहीं, विष्णु गुप्त ने लिखा है, ठीक है। और विष्णु गुप्त मतलब आपके चाणक्य, और चाणक्य मतलब आपके कौटिल्य, और कौटिल्य मतलब ये वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक। दूसरा पंचतंत्र, पंचतंत्र ये लिखा है आपके विष्णु शर्मा ने भाई, है ना, तो याद रखेंगे पंचतंत्र किसने लिखा है बेटा, विष्णु शर्मा ने लिखा। इंडिका याद आ रहा है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज।
और चौथा है आपका राज तरंगिणी, ये लिखा है आपके कलहड़ ने, और कलहड़ ने राज तरंगिणी में लिखा क्या है, तो कश्मीर का इतिहास लिखा है बंधु, तो ये भी आप याद रखेंगे, कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है, भूलने का नहीं, ठीक। और ये सारा कुछ अपन कर चुके हैं, ओके आगे बढ़े, चले आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। बढ़िया प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या बोला जा रहा है देखिए, ये रहा आपके क्वेश्चन, और प्रश्न में बोल रहा है दिसंबर 1929 में जो लाहौर में क्या किया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था, वार्षिक अधिवेशन है ना, इनमें से कौन सी वजह थी जिसके वजह से, या कौन सा वजह महत्वपूर्ण था। फिर से एक बार प्रश्न बोल रही हूं, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण वैल्यूएबल था, महत्वपूर्ण था, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, किसके साथ जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखो मैं बोल लूं, चलिए देखिए, यहां पर बात हो रही है 16 दिसंबर 1929 की, तो 16 दिसंबर 1929 में आप डेट भी याद रख सकते हैं बेटा, 30 दिसंबर की बात हो रही है, 30 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, तो 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक। यहां तक तो बात क्लियर हो गई मैडम। अब उसके बाद जब वहां से वापस आ रहे थे, कहां से वापस आ रहे थे बेटा, लाहौर के अधिवेशन से जब वापस आ रहे थे सॉरी, तो 26 जनवरी 1930 की बात है, ठीक है, 26 जनवरी 1930 की बात है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी को ही परुषणी नदी के नाम से जाना जाता है, अपन जानते हैं क्या, जानते हैं ना, तो रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे जो चाचा जी हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, ठीक है क्या। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यहां पर से आपका प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं, हम बात करें किसकी, दिसंबर 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, यही चीज मैंने अभी बताया था, पूर्ण स्वराज की मांग, ऊपर वाले प्रश्न में भी मैंने ये क्लियर किया हुआ था, ठीक है। और एक होता है स्वराज शब्द का प्रयोग, तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो आपके कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और स्वराज की जो मांग है वो आपके लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये घटना है 30 दिसंबर 1929 का, जब आपका कहां हो रहा था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, यहां से सारे के सारे वापस आ रहे थे, रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 की बात है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया बेटा, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्धता के कारण अचानक से दौरा पड़ता है, और आपके 26 जनवरी 1930 को तत्काल प्रभाव से रावी नदी के तट पर घोषणा कर दिया जाता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूर्ण स्वराज, और जिसके वजह से लाहौर अधिवेशन आपका फेमस हो जाता है, बाकी उतना बड़ा चीज कुछ हुआ नहीं था उसमें, हुआ था आपके 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था ना, यहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो गया क्यों, इस तथ्य की वजह से सिर्फ, क्योंकि आपका 1930 में क्या कर दिया गया था, 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी हमारे चाचा जी के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा याद रहेगा, किसी को दिक्कत पूछो मैडम जी सीजीपीएससी प्री का पेपर कब है, फरवरी में है बेटा, फॉर्म डाले होंगे तो मिल ही जाएगा ऐसा है, ठीक। तो ये प्रश्न क्लियर, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये मान करके चलूं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई अपने भाइयों को, अपने भाई को बताओ, सब लोग कब है फरवरी का पेपर कब है, भाई की प्यारी प्यारी बहनों जल्दी बताओ, पीएससी प्री का पेपर कब है, फरवरी में, ये तो मैंने बता दिया, अब आपकी बहनें बताएंगी, जल्दी बताइए, भाई बता रहे हैं, सौरभ बता रहे हैं, ठीक है, तो 12 फरवरी को है, भाई भाई वाला सीन हो गया यहाँ पर, तो भाई तो मेरे को बचा लिया भाई बनने से, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सूरज को बस 14 फरवरी ही याद रहता है ऐसा लग रहा है मेरे को, मातृ पितृ दिवस,
चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, बढ़िया प्रश्न है ना, ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो जिला दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बताओ जल्दी से मेरे को, जो जिला दर्रा। मैडम जी हमारे यहाँ MPPSC का सिलेबस चेंज कर दिया गया है ऐसा, अरे चलिए ये बताइए, जो जिला दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में है, सिप किला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है, जेलेप्ला दर्रा ये क्या अरुणाचल प्रदेश में है, नहीं जी जेलेप्ला दर्रा ही तो आपका कहां है, सिक्किम में है, है ना, और तुजु दर्रा ये आपके मणिपुर में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता रही हूं मैं, देखो ये जो है आपका सिक्किम में हो जाएगा, एक है आपका जेलेप्ला और एक पड़ता है आपका नाथुला, है ना, ये दो दर्रा जो है बेटा ये आपके सिक्किम में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर में हमने देखा जो जिला दर्रा के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे दर्रे हैं, आपको याद आ रहा है क्या, बर्निहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में ही पड़ जाता है, ठीक है, बुरजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में ही पड़ जाता है, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर में तीन चार पड़ते हैं, पीर पंजाल दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कैसे है मैडम, है भाई तो है, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला दर्रा भी है और वहीं पर आपका एक और दर्रा पड़ता है माना दर्रा जिसको आप बोलते हैं। दर्रा क्या होता है, दर्रा मतलब पहाड़ों को काट करके बीच से रास्ता बना दिया जाता है, जैसे अभी हमारे यहाँ रोड होता है ना जिसमें हम चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, कार में चलते हैं, ठीक, तो हम उसको रोड कह देते हैं, और पहाड़ों में पहाड़ों को काट कर बीच बीच से रास्ता बनाया जाता है बेटा, उसको दर्रा कहा जाता है, आने जाने के लिए रास्ता बना दिया जाता है, ठीक है क्या। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं आपके, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा पड़ जाता है आपका, बर्निहाल, बुरजील, परपंजाल, जोजिला, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ जाता है, ये तो एकदम सही है। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या पड़ता है मैडम, सब अभी पूछ लो तुम मेरे को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका यांग्याप दर्रा पड़ता है, ठीक है, यांग्याप, इसके अलावा आपका दिफू दर्रा, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही देखने के लिए मिलेगा। मणिपुर में आपका तुजु दर्रा है जो कि एकदम सही है, और कोई दर्रा नहीं है यहाँ पे, ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जेलेप्ला दर्रा और नाथुला दर्रा ये दोनों ही आपके सिक्किम में पड़ते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका यांग्याप दर्रा और आपका एक दिफू दर्रा पड़ता है, ठीक है क्या। दो पहाड़ों के बीच की भूमि नहीं, दो पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाया जाता है आने जाने के लिए, पगडंडी बोल सकते हो, ठीक, उसको दर्रा कहा जाता है। चलिए ये प्रश्न भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ये थोड़ा सा बोली ना तुम लोग का किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होगा तो ऐसे प्रश्न भी बन जाएंगे आपसे। चलिए बताइए जल्दी से, जट जटिन प्रश्न बढ़िया है, ये कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का है जट जटिन, ठीक है, मणिपुर का, वेरी गुड, कौन है ये, बिहार, किसने आंसर दिया, अदिति, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो जट जटिन ये कहां का लोक नृत्य है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो जट जटिन कहां का नृत्य है, तो ये आपके, हाँ जी बिहार, जितने बच्चे बिहार कह रहे हैं एकदम सही है, ठीक। चलिए एक और देखेंगे आपका मणिपुर, मणिपुर में भी एक नृत्य पड़ता है जिसका नाम है लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा, ये जो है आपके मणिपुर का एक फेमस लोक नृत्य है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे बिहार का आपका जट जटिन पड़ जाता है, तो ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, इनकी जो आत्मकथा है उस पुस्तक को क्या नाम दिया गया था। अभिनव बिंद्रा के बारे में हर कोई जानता है भाई, है ना, जो कि निशानेबाज थे जिनको स्वर्ण पदक मिला हुआ था, तो पूछा जा रहा है कि इनकी जो आत्मकथा है इसको किस नाम से जाना जाता है, ABCD आपके सामने है, क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। किसके साथ जाना चाहेंगे, जो आपके अभिनव बिंद्रा है इनका आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम है, ABCD जल्दी बताइए, क्या लग रहा है आंसर अपने को क्वेश्चन नंबर 19 का, डी, वेरी गुड, जितने बच्चे डी बोल रहे हैं एकदम सही हो जाएगा, असार्ट एक्ट हिस्ट्री के नाम से हम उसको जानते हैं।
मैम प्रोटीन कुपोषण, ओ माय गॉड। शशिकांत पांडे जी आप बहुत पीछे हैं बच्चे, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आप बहुत पीछे हैं और बहुत पीछे का आंसर आप बता रहे हैं, ठीक है। ओके तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे मैडम जी, आज नहीं है जी, ठीक है, बर्थडे था 16 को, तो भी बिलेटेड वाला थैंक यू आपको। चलिए बताइए जल्दी से, अगला प्रश्न है आपका, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था पूछा जा रहा है, इसमें कोई एक्सप्लेन की बात ही नहीं है, ठीक है, ये ज्योति बहुत मार खाएगी। चलो बताओ कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये आपके 1978 में स्थापित किया गया था, 1980 में, 1975 में या 1984 में, जल्दी से बताइए। कालिदास सम्मान की बात हो रही है, कालिदास सम्मान की बात हो रही है, जल्दी से बताइए कालिदास सम्मान, जल्दी बताइए। ए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारे प्रश्न है भाई, जल्दी कीजिए, एक बज गया, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। कालिदास सम्मान कौन से वर्ष स्थापित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ जल्दी से, हलवा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, 1980 का एकदम सही आंसर हो जाएगा, याद कैसे रखोगे। कालिदास सम्मान तब अस्तित्व में आया जब कालिदास स्वयं 80 साल के हो गए थे, बस ऐसे करके ट्रिक है इसका, जो याद रख लेना, जो मेरे को हमेशा याद रहता है, ठीक। तो कालिदास सम्मान अस्तित्व में कब आया, जब स्वयं कालिदास 80 साल के हो चुके थे, बस 1980 आपको ऐसे करके याद हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। चलिए बताइए ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताना है जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मतलब ओडिशा के एक व्यक्ति हैं जो कि आपके शास्त्रीय नर्तक हैं, है ना, और शास्त्रीय नर्तक होने के वजह से ही उनको पद्म विभूषण बहुत चर्चा में रहे हैं ये अभी हाल ही में, बताइए जल्दी से जिनको पद्म विभूषण मिला था, क्या हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे बी कर रहे हैं एकदम सही आंसर है बेटा आपका, केलू चरण महापात्र, ठीक है, बी आपका एकदम सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक। अच्छा ये मिला कब था पता है क्या तुम लोग को, इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में, बहुत चर्चा पे थे ये, है ना, तो आपको याद रखना है शास्त्रीय नर्तक है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य करते हैं, और इस वजह से उनको क्या मिला है, केलुचरण महापात्र को सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार, बढ़िया प्रश्न है, चलो बताओ इसका आंसर मेरे को, प्रश्न बोल रहा है कालक्रम के अनुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम क्या है जिन्होंने 1320 से 1414 तक शासन किया था, आपको बताना है तुगलक वंश के बारे में और तुगलक वंश में जो शासक हैं उनके क्रम के बारे में, तो ऐसे प्रश्न को आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आपको उसके फाउंडर का नाम पता होना चाहिए, उसके संस्थापक का नाम पता होना चाहिए, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है अपन जानते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 में तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में अपन सब जानते हैं क्या, गयासुद्दीन तुगलक, तो पहला तो गयासुद्दीन तुगलक ही होगा ये आप जान लीजिए। अब गयासुद्दीन तुगलक किधर है, ये तो ऐसे ही कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता, बी में आपका गयासुद्दीन तुगलक दिख रहा है भाई, सी नहीं हो सकता पर डी में भी तो दिख रहा है क्या, बी और डी दोनों में कंपटीशन चल रहा है, तो पहले नंबर पर तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन थे, तो याद आ रहा है कि आपने को गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगले शासक बने थे आपके जूना खान, याद आ रहा है, और जूना खान को ही हम किस नाम से जानते हैं, जूना खान को ही हम मोहम्मद तुगलक के नाम से जानते हैं, मतलब मोहम्मद तुगलक ये रहा आपका, और यहां से हम आंसर लेंगे सीधा डी, ठीक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपका मोहम्मद तुगलक जिसको जूना खान के नाम से अपन जानते हैं, और उसके बाद फिर आएंगे आपके फिरोज शाह तुगलक, मतलब डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है, एग्जाम के टाइम पर इतना टाइम नहीं होगा कि एक तो शुरू से याद है मतलब उसी को टिक कर दिया बाकी देखना च नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हमको, है ना, तो चीजें आपको याद रखनी है और इस प्रकार से प्रश्न हमारा डील होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले कौन जीते थे, क्वेश्चन नंबर 23 आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताइए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीता था,
ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले कौन जीते थे? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? बता दो मेरे को, ए बी सी डी किसके साथ जाना चाहेंगे? जो बच्चे ए कह रहे हैं एकदम सही है, याद रखेंगे अपन, पंडित रविशंकर शुक्ल महोदय, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल महोदय है जो सबसे पहले भारतीय थे जो ग्रैमी पुरस्कार जीते हुए थे, ठीक क्या? चलिए अगला प्रश्न है, वांगल त्योहार, वांगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? प्रश्न आपके सामने है भाई, जल्दी से बताओ। बात हो रहा है वांगला, वांगला, तो वांगला त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? जल्दी से बताइए, वांगला त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में है, तो पहले तो इधर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो जनजातियों का नाम यहां पर लिखा हुआ है, ये जो जनजातियां वो एक्चुअली पाई कहां कहां पर जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है भूटिया जनजाति, तो आपको पता होना चाहिए कि भूटिया जनजाति पाई कहां पर जाती है, तो आपको पता हो कि ये सिक्किम में पाई जाती है। बेटा कहां पाई जाती है? सिक्किम, सिक्किम में बोल दो, कुछ मात्रा में आपके वेस्ट बंगाल में भी ये पाया जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी आपका ये पाया जाता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात हो रही है आपके भील जनजाति की, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि भील जनजाति तो वैसे संपूर्ण भारत में आपका मिलता है ना, लेकिन ज्यादा ये मिलता है आपके एमपी वाले एरिया पे, ठीक। वहीं पर आप बात कर लीजिए थारू जनजाति का, थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये स्पेशली नेपाल की जनजाति है। कहाँ की जनजाति बच्चे? नेपाल की। और गारो जनजाति के बारे में तो अपन जानते हैं क्या? ये मेघालय में पाया जाता है ना, गारो खासी जयंती याद आ रही क्या? ये वही है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक। अब आपको जब ये पता चल गया कि जनजाति कहां कहां पर पाई जाती है, तब आप इसका आंसर बहुत आराम से लगा सकते हैं कि जो वांगला त्योहार है ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, कितने लोगों को क्या लग रहा है? तो आपको बता दें यह जो त्योहार है ये हमारे गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसलिए तो हम पढ़ रहे क्या, ठीक है। तो आपके मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती है, और जो गारो जनजाति है वही आपका क्या करता है बेटा? वांगला त्योहार को मनाता है जो कि आपके मेघालय में बसा हुआ है, ठीक। डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या प्रश्न अपने को याद हो चुका है? वांगला त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सबसे पहली बात, गारो जनजाति मनाती है, और गारो जनजाति आपके मेघालय में निवास करती है, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कर ले, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य? बहुत बढ़िया, मतलब पूछना ये चाह रहा है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा सोना उत्पादन किया जाता है, तो केरल में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या कर्नाटक में? बता दीजिए मेरे को सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन कहां होता है, क्लियर करेंगे जल्दी से। केरल, केरल तो हो ही नहीं सकता भाई, केरल में थोरियम सबसे ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है बेटा? थोरियम, ये सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के लिए बता दे खनिज प्रदान करने में भारत में दूसरे नंबर पर है भाई, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में चूने का पत्थर होता है, चूने का पत्थर बहुत अधिक मात्रा में आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है। गुजरात में क्या मिलता है? तो गुजरात की बात कर ले तो यहाँ पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और कर्नाटक की बात कर ले तो हाँ जी, ये कर्नाटक ही है जहां सर्वाधिक मात्रा में आपका सोना मिलेगा, मतलब इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ जो प्रश्न में पूछा गया बस वही याद रखने से काम नहीं चलने वाला ना, आपको सब याद रखना पड़ेगा और सबको याद करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है क्या? हाँ जी, सीजी पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है बच्चे, एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए, और बैक टू बैक क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस डेली वहां पे हो रही है, आप जरूर से क्लास परचेस करें ताकि आपको वहां पर से आपका जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो सके। 6000 पोस्ट की बात है, यहीं पर नहीं होता है ना, और साथ में प्रयोगशाला का भी अवेलेबल है, इफ यू वांट देन आप जा सकते हैं, ठीक, और वहां जाकर के कोर्स लेकर के हमसे जुड़ सकते हैं। पर मैथ्स रीजनिंग वाले को तो मैं एकदम से बोलूंगी, लेट लपेट करोगे, देखो सीजी कांस्टेबल वाले तो मैथ्स रीजनिंग ऐसे ही समझ में नहीं आता है, और उसको भी तुम लेट से कोर्स अगर लोगे तो लेट से तैयारी स्टार्ट होगी, तो इसीलिए जल्दी जाइए और सीजी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लीजिए, और वहां प्रॉपर मैथ्स की जो क्लास है वो डेली टू डेली आप प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न है आपका, वोटिंग फॉर अ वीजा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बताओ भला ये किसकी आत्मकथा हो सकती है? वोटिंग फॉर अ वीजा, बताओ जल्दी से, वोटिंग नहीं वेटिंग है, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा ये किसकी आत्मकथा है? बताएंगे बी आर अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी का, तीनों में ही बता दो, चौथा छोड़ देते हैं, बताइए जल्दी से, वेटिंग फॉर वीजा ये किसकी आत्मकथा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो वेटिंग फॉर वीजा ये अंबेडकर महोदय की रचना है भाई, ठीक है, या बोले कि अंबेडकर महोदय की आत्मकथा है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका सही आंसर?
वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा था, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं लेकिन सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, जरूर से सेशन को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए बच्चे, ताकि उनको भी क्लासेस के बारे में मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं, चिट्टी के डंक में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बताओ। चींटी के डंक में बोल दो या बिच्छू के डंक में बोल दो, दोनों में सेम चीज मिलता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए बताइए, मैथोनिक अम्ल, इसे आप बेंजोइक के नाम से भी जानते हैं क्या? याद आ रहा है कि आपने को बेंजोइक अम्ल भी हम इसी को ही कहते हैं। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या लग रहा है? ए ही होगा मैडम जी। अच्छा जी, सोच लीजिए अच्छे से। लैक्टिक अम्ल, यहाँ पर आपका वही है ना, जिसकी वजह से आपका शरीर थक जाता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमारी शारीरिक थकान होती है ना। शारीरिक थकान किस लिए होता है? आपके लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ऑक्सैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तो अपन जानते हैं क्या, खट्टे फलों में मिलता है ये। किसमें मिलता है? खट्टे फलों में मिलता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये पौधों में पाया जाता है बेटा। किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। अब चारों का मैंने डिटेलिंग कर दिया, आंसर आपको बताना है। तो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? तो चींटी का डंक बोल दो या बिच्छू का डंक बोल दो, तो याद रखेंगे मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैंने प्रश्न क्या बोला है पहले समझ जाओ। चींटी जब काटती है ना, तो चींटी के काटने पर हमारे हाथ में वाले हिस्से में क्या पड़ जाता है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन सा हो जाता है। तो जब ये सूजन सा होता है, उसका रीजन हो जाएगा जो बच्चे मैक्सिमम सी दे रहे हैं। पर आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है? आपके प्रश्न में पूछा गया है कि चींटी के काटने से उसके डंक में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है। तो चींटी का जो डंक हो गया या जो बिच्छू का डंक हो गया, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर चींटी काट दी और चींटी के काटने से जो सूजन होता है, वो कौन सी अम्ल की वजह से होता है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। चींटी के काटने से हाथ में जो सूजन पड़ता है, वो कौन सी अम्ल की वजह से होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार भाई पहले आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता था, लेकिन उसमें क्या किया गया, उसमें 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया? तो यह संशोधन किया गया था सन 2002 में। ठीक, याद रहेगा सन 2002 में यह संशोधन हुआ, उसके बाद तत्काल प्रभाव से शिक्षा का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार बनाने के लिए इसको कौन से आर्टिकल में एड किया गया, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए, शिक्षा का अधिकार आपके कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? पहले नहीं था ना फंडामेंटल राइट, फिर इसमें संशोधन किया हमने, और 2002 में संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद ये क्या बना, आपका शिक्षा का अधिकार बना, कौन से आर्टिकल में बना, ये आपको बताना है। शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा बोलो। आर्टिकल 21 है कि आर्टिकल 21 का क है, बताइए, कमेंट कीजिए। इसका भी उत्तर आप YouTube में मेरे को कमेंट करके देंगे कि शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है या 21 ए या 21 क में दिया गया है। ठीक है, कंफर्म करो पहले, 21 क, 21 ए या सिर्फ 21, क्या लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप मेरे को। चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था, इससे पहले मुझे ये बता दो कहां लागू किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में, कहां बेटा, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। अब आपसे प्रश्न में जो पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था, इसका आंसर बताएंगे 1961 में लागू हुआ था, 1952 में हुआ था, 1959 में हुआ था या 1951 में हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लग रहा है अपने को, राजस्थान के नागौर जिले में किसने किया था? मैडम जी, नेहरू जी ने किया था। ठीक है, लो चलो क्या याद रखोगे ये भी बता देती हूं। तो राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था। खुश, अब इसका प्रश्न का उत्तर दो। चलो
वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है आपका क्या, बीवी कैसे होगा भाई, सी होगा बेटा, 1959 होगा, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था आई थी। आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति, इनका नाम भूलना नहीं, इन्होंने क्या दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया था। एक और समिति है अशोक मेहता समिति के नाम से अपन जानते हैं, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बताया था, ठीक है। पंचायती राज में डिटेल में चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा जाकर के विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, और जितने बच्चे सी बोल रहे थे एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न कर ले। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूएनओ का मतलब क्या समझते हो? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब बता दो मेरे को यूएनए की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1935 में, 40 में, 45 में या 55 में? किसके साथ जाना चाहेंगे? अरे इतना टफ प्रश्न में बोल दी क्या? ठीक, तो जितने बच्चे सी बोल रहे हैं एकदम सही है, 1945 में किया गया था। अच्छा कहाँ किया गया था? यूएनए की स्थापना 1945 में तो हुई थी, पर कहाँ हुई थी अपने को पता ही क्या, तो आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में हुआ था, और उस टाइम पर मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो यूएसए में बनाया गया था, ठीक। तो यह भी आप साथ में याद रख सकते हैं, क्लियर है क्या? हाँ जी एकदम सही, ओके। तो इस प्रकार से आपका 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुका है आपका खत्म। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, हमारा क्वेश्चन, आपको मजा आया होगा। मैराथन पहली क्लास थी, मैं सोच रही हूँ मैराथन की क्लास आपके लिए लाया जाए बीच बीच में इस प्रकार से। तो अब जो मैराथन होगी इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है इसे थोड़ा सा हाई रखा जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा लो था, रीजन क्योंकि पहली मैराथन क्लास थी हमारी, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन का लेवल मैंने नीचे ही रखा हुआ था। अब आप खुद को टेस्ट कीजिए कि इतने प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया हुआ है। और लेवल जब ये लो है तो आपका ये हाल है, तो जब लेवल हाई होगा तब आप क्या करेंगे, मतलब समझ रहे हो? बेहतरीन तैयारी की जरूरत है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक। तो इसी के साथ करूंगी क्लास को ऑफ। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को जरूर से लाइक करेंगे बेटा, कमेंट करके भी जरूर से बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, 1:30 बज चुका है, देखते हैं समय रहा तो नेक्स्ट क्लास ले लेंगे अपन, नहीं तो फिर शाम में ही हमारी अगली क्लास होगी, ओके। मैक्सिमम चांसेस है शाम को ही क्लास होगा, ठीक। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? क्लास वैसे तो स्टार्ट हो जाता है हमारा 11:30 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया। इसी के साथ करूंगी क्लास को आप। हर एक बच्चे का बढ़िया बढ़िया कमेंट आना चाहिए, अच्छा अच्छा कमेंट आना चाहिए, ठीक है, अगर क्लास पसंद आया है तो, ओके। मिलते हैं फिर शाम वाली क्लास में, जो कि हमारे 6:00 बजे स्टार्ट हो जाएगी, या 8:00 बजे तो होनी है, 6:00 बजे एक्चुअली एप्लीकेशन में क्लासेस चलती हैं, इस वजह से उस टाइम पर आना पॉसिबल नहीं हो पाता, पर एनी हाउ 8:00 बजे हमारी क्लास हो ही जाती है, ओके। चले मिलते हैं फिर शाम वाली क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।